दोस्तों नमस्कार। डिजिटल एनिमल केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक गाय की नस्ल जो कि आयरशायर के नाम से जानी जाती है। आयरशायर नस्ल की गाय के बारे में आज के इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। तो जैसे कि आप पीछे वीडियो के अंदर देख रहे हैं, जिस प्रकार से ये दिखाई देती है, ये एक विदेशी नस्ल है जो आयरशायर के नाम से जानी जाती है। और प्रायकर यह हमें फार्म पर ही देखने को, जो डेयरी फार्म वगैरह होता है उन्हीं पर देखने को मिलती है। और इस प्रकार की नस्ल में अगर आप इसकी बात करें उत्पत्ति की, तो इसकी उत्पत्ति जो आयरशायर नस्ल की गाय है उसकी उत्पत्ति स्कॉटलैंड से है, जो स्कॉटलैंड की मूल उत्पत्ति क्षेत्र है इसका। और हमारे इंडिया के अंदर भी ये कई डेयरी फार्मों पर हमें देखने को मिलती है। तो इसकी असली होने की क्या पहचान कर सकते हैं? अगर इसके मिलक की बात करें रिकॉर्ड की, तो उसके अनुसार तो हम इसका 30 से 35 लीटर तक दूध हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर इसकी विज्ञान की भाषा में देखा जाए, तो इसका जो प्रति ब्यांत दूध है वो 2000 से 3000 लीटर प्रति ब्यांत है हमें देखने को मिलता है। और इसके अगर दूध में वसा की बात की जाए, तो इसके दूध के अंदर 4% वसा हमें देखने को मिलती है। अगर इसके रंग की बात की जाए, तो ये वैसे तो इसका रंग लाल माना जाता है, लेकिन इसमें लाल रंग के साथ कई बार सफ़ेद धब्बे भी हमें देखने को मिलते हैं। और अगर इसके सिर की बात की जाए, तो इसका सिर छोटा होता है और सींग, प्रायकर हमें इस प्रकार की नस्ल के अंदर सींग देखने को नहीं मिलते, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बाकी इसके अगर सींगों की बात की जाए, तो इसके सींग लंबे हुए आगे की तरफ झुके हुए होते हैं, जो कि डिविडिंग के कारण इस प्रकार के सींग हमें भी जो नस्लें देखने को मिलती उनके अंदर हमें देखने को नहीं मिलते। इसकी सुंदरता, वैसे भी ये सबसे सुंदर गाय है, और इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए भी डिविडिंग की जाती है, जिसका हम सींगरोधन भी बोलते हैं। और सींगरोधन करने से पशु की आकर्षिता और देखने में सुंदर लगती है। और इसकी अगर बात की जाए, तो इसकी अडर क्वालिटी बहुत ही सुंदर होती है और बहुत ही बड़ा अडर होता है, क्योंकि इसका दूध भी उसी हिसाब से इसके अडर की क्वालिटी होती है। और थनों के बीच गैप अच्छी तरीके से और बहुत ही सुंदर देखने में मिलती है, पूंछ जमीन तक छूती है और इसके अंदर गलकंबल भी पाई जाती है। हाँ, लेकिन थुई इसके अंदर अविकसित होती है, थोड़ी सी दिक्कत देती है, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित है हमें देखने को नहीं मिलती है। वैसे भी विदेशी नस्लों के अंदर हमें जो थुई हम पहव जो देखने को नहीं मिलती है। तो यही थी आज के इस वीडियो में आपके साथ थोड़ी सी छोटी सी जानकारी साझा करना चाहते थे, तो आपके साथ शेयर किए। अगर आपको देखकर अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।